फ्रेंड्स, दिस इज सोनम शर्मा फ्रॉम माइंड हिप्नोटिज्म चैनल लुधियाना। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत बहुत खुश होंगे। और अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी तो उसे बहुत आसानी से सॉल्व भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सब लोगों के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ, सम रिलेशंस आर लाइक वाटर। वाटर, जल, पानी। पानी कितना तरल पदार्थ है ना। हम मंदिर गुरुद्वारे में जाते हैं, वहां पे एक छीटा दिया जाता है जिसे बहुत पवित्र जल माना जाता है। वो छीटा पाकर हमें कितना सुकून मिलता है, मुझे तो मिलता है जब मंदिर जाओ और आगे खड़े हो जाओ और छीटे मिलते हैं, है ना। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि हम अपने रिश्तों को बांध कर ना रखें अपने साथ या किसी भी बाउंड्री के साथ। फ्रेंड्स, कभी नोट कीजिएगा, अपने आप को ना अपनी ही शर्तों के मुताबिक दिन के 24 घंटे यानी एक दिन के लिए अपने आप को एक कमरे में बंद कर दीजिएगा और फिर महसूस कीजिए आपको कैसा लग रहा है। अच्छा, बुरा, घुटन, कैसा, कुछ मत करिए, सिर्फ अपने आप को कमरे में बंद रखिए। नहीं अच्छा लगेगा ना, घुटन होगी। वैसे ही अगर हम किसी रिश्ते के साथ जुड़ते हैं, उसे अपने साथ बांधने की कोशिश करते हैं ना, बाउंड्रीज लगाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, चाहे वो मेल है, फीमेल है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो वो खुलकर जीने का आनंद नहीं ले पाते। नदी है ना, नदी में जो पानी बह रहा है उसकी कोई सीमा नहीं है, उसने बहते रहना है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। अगर नदी के बीच में एक पत्थर भी रख दिया जाए वो फिर भी अपना रास्ता बदल लेगी, लेकिन चलती जरूर जाएगी। नदी के पानी को, नदी को, समुन्दर को कोई नहीं रोक सकता। उसी तरह से हमारा जीवन है, हमारी लाइफ है, सबकी अपनी लाइफ है। हम क्या करते हैं कि किसी के साथ अटैच हो गए, उसको एक बाउंड्री दे देते हैं कि ये तेरी सीमा है, इससे बाहर नहीं तू जा सकता या जा सकती। फिर उसका क्या होता है, दम घुटता है, क्योंकि वो अपनी इच्छा से बह ही नहीं पा रहा। हर एक इंसान की अपनी लाइफ है, अपनी एक दुनिया है, उसे पता है कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। वो कभी अपनी बाउंड्रीज को नहीं लांघेगा, लेकिन हाँ, अगर पत्थर बन के कभी उसकी लाइफ में बैठ गए तो वो अपना रास्ता जरूर बदल लेगा, नदी के पानी की तरह। तो फ्रेंड्स, कोशिश कीजिए खुद को और अपने साथ के जुड़े लोगों को, अपने रिश्तों को संभाल कर रखने के लिए उन पर इंस्ट्रक्शंस मत लगाइए, उन पर बाउंड्रीज मत लगाइए। रिलेशन को वाटर की तरह स्मूथ हो जाने दीजिए। अगर वो रिलेशन आपका है, अगर वो रिश्ता आपका है और सच्चा है, तो वो आपके साथ बहेगा, आपको साथ लेके बहेगा। लेकिन अगर वो आपका ही नहीं है तो उसको जबरदस्ती अपने साथ बहाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, कोशिश कीजिए रिलेशंस को वाटर की तरह रखने का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे से आगे शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए अवर माइंड हिप्नोटिज्म चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मुझे सुनने के लिए।